सर्दियाँ आ गई हैं और हमारे हाथ पांव जो है डल होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आज जो है मैं आपके साथ एक ऐसी होममेड क्रीम ब्लीच शेयर करूंगी, ये मैजिक क्रीम ब्लीच कह लें, जो कि इफेक्ट 100% देगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी बाय मी। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। क्रीम ब्लीच के इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं ना कि आप देखेंगे ना तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैंने इसे यूज़ किया, आप मेरे हैंड में फ़र्क देख सकते हो। तो आप भी जानना चाहेंगे कि ये ब्लीच कैसे बनी है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्रीम ब्लीच बनाने के लिए जो मैं क्रीम ब्लीच यूज़ कर रही हूँ, ब्रांड नेम है इसका कॉस्मेटाइज ब्राइट योर सेल्फ वाइटनिंग क्रीम ब्लीच है। अभी जो है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता। ये वाली क्रीम ब्लीच जो है ना मार्केट में अभी इन होना ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये क्रीम ब्लीच बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसे सेपरेट भी मतलब कोई भी चीज़ इसमें डाल के नहीं ना यूज़ करते हो, उसे अकेली को ही यूज़ करते हो, इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। और जैसे मैं बनाऊंगी, ठीक है, वो तो उसके साथ तो बेस्ट हो जाएगी, इसका जो है रिजल्ट डबल हो जाएगा। और मैं रिकमेंडेड करूँगी कि आप यही वाली क्रीम ब्लीच यूज़ करें, ठीक है जी। वैसे तो आप दूसरी भी कर सकते हो, इट्स नॉट मैटर, ठीक है, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। बट मैंने सोचा क्यों ना मैं इस क्रीम ब्लीच का आपको बताऊं, ताकि आपको जो है ज़्यादा फायदा हो, जैसे मुझे फायदा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये प्रॉपर मेथड शेयर करूं, साथ साथ जो है क्रीम ब्लीच का जो है रिव्यू भी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर जो मैंने एम्प्टी बाउल ले लिया, अब जो है मैं यहाँ पर ये ब्लीच क्रीम ब्लीच निकाल रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी जल्दी ये जो निकल आई है ब्लीच। तो बस ये मैंने थोड़ी सी ली है, हाथों पाँव के लिए इनफ है ये, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना फूलेगी भी, और इसके बाद जो है मैं इसका एक्टिवेटर ले रही हूँ। एक्टिवेटर जो है हमने वन कैप ना मैंने इसे फुल लेना है, क्योंकि हमने हैंड एंड फिट्स पे करनी है, ठीक है। आपने जो अगर अपने फेस पे करनी है तो फेस पर जो है आप कम एक्टिवेटर डाल सकते हैं, बट ये वाली जो ब्लीच है ना इस वक्त जो मैं बना रही हूँ ये सिर्फ जो है आप अपने हाथों पाँव पर ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आज जो है थोड़ा सा मसला हो रहा है कैमरे का, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मुझे जो है ना लाइट ज़रा तंग कर रही थी। नेक्स्ट चीज़ जो है हमने इसमें ऐड करनी है ग्रेसलिन। ग्रेसलिन जो है हमें यहाँ पर सिर्फ हमने 5 ड्रॉप्स ही ऐड करनी है, ज़्यादा हमने ग्रेसलिन का नहीं ऐड करनी, ठीक है। सर्दियाँ हैं तो कि ग्रेसलिन इसलिए डाल रही हूँ, स्किन जो है ना खुशक नहीं होगी हमारी ब्लीच करने के बाद, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड दे रही हूँ, ये आपको मेडिकल स्टोर से इजीली कहीं भी मिल जाएगा। इसका जो है मैंने 1 कैप लेना है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ठीक है। ये क्रीम ब्लीच इतनी ज़बरदस्त बनी कि मुझे नहीं लगता है कि ये क्रीम ब्लीच अभी तक किसी ने आप लोगों के साथ शेयर की होगी, ठीक है। इसके बाद जो है मैं अमोनिया सोल्यूशन ले रही हूँ, ये भी जो है मैंने लेना है। ये ना मेरे से खुल नहीं रहा था, दरअसल ज़रा थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे खुलने में, तो ये खुल गया। अगर आपने हाइड्रोजन फुल लिया ना तो अमोनिया जो है हमने 1/2 कैप लेना है, ठीक है। तो बस मैं ये ऐड कर रही हूँ। अगर आपने घर में ही बनी हुई हाइड्रोजन और अमोनिया की क्रीम ब्लीच देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने इसमें ऐड करना है वाइटिंग कैप्सूल। मैंने तो यह वाइटिंग कैप्सूल का जार ही ले लिया, ठीक है। बाजार से जो है 10 रुपये का एक मिलता है, इतना एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ऐसे फिर हमें ज़रूरत पड़ती है तो मैंने तो बॉक्स ही ले लिया है। मैं यहाँ पर 5 कैप्सूल जो है इसके ऐड करूँगी, और पूरा जार जो है ये 600 to 650 की रेंज में आपको मिल जाएगा, जहाँ से मैंने लिए हैं आप लोग भी वहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर कैप्सूल डाल रही हूँ, मुश्किल से जो है ये कैप्सूल जा रहे थे, सर्दियाँ थी ना तो कैप्सूल जो है ना हार्ड हुआ हुआ है, तो इसकी वजह से ना ज़रा निकलने में मुश्किल हो रही है। और ये क्रीम ब्लीच सिर्फ हैंड एंड फिट्स के लिए है, फेस पर आप कर सकते हो। सिर्फ वो वाली दो चीज़ें जो है ना आप डेवलपर और इसका एक्टिवेटर लेके आप ये वाली क्रीम ब्लीच कर सकते हो। फेस पर जो है आप इसमें हाइड्रोजन और अमोनिया ऐड नहीं करेंगे, वाइटिंग कैप्सूल और ग्रेसलिन ऐड करके लगा सकते हो, और रिजल्ट्स जो है वो बेस्ट हैं, क्योंकि मैंने फेस पे भी की थी ये ब्लीच। ब्लीच जो है हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, बस हमने अब इसे मिक्स करना है और जो है हमारी ब्लीच रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, बस मिक्स करते रहे। मैं जो है वीडियो स्किप यहाँ से नहीं करूँगी, ताकि आप देखें मैंने कितनी देर तक जो है इसे मिक्स किया। 3 से 4 मिनट तक आपने इसे कंटिन्यूसली जो है मिक्स करना है। ये वीडियो स्पीड मैंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया, तो जी आखिरकार मैंने यहाँ से वीडियो काट ही दी। अगर नहीं ना काटती तो आप लोग ने ना स्किप करके कर जल्दी से देख लेती, ठीक है। तो 3-4 मिनट के बाद मिक्स करने के बाद ना मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी किया था। अब आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है थोड़ी सी फूलना स्टार्ट हो गई है, और अभी भी जो है इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त है। बस आपने ये ध्यान रखना है हाइड्रोजन या अमोनिया ज़्यादा नहीं डालना, ताकि अगर आप वो ज़्यादा डाल लेंगे ना तो जो ना काम ख़राब हो जाएगा, मतलब ये कि ज़्यादा डाल लेंगे तो वो पतली हो जाएगी। दोस्तों आपके फैन से ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, जल्दी जल्दी जो है ना मैं अपनी ब्लीच लगा ली हाथों पर, मैं सोच रही थी कि मेरा कैमरा ऑन है, और जो कि मेरा कैमरे ने कोई रिकॉर्ड नहीं किया, और बल्कि ये जो है ना मिड वाला पार्ट है, मुझे 15 मिनट हो गए थे ब्लीच लगाए हुए, और मैं यहाँ पर जो है ना मस्तियाँ करनी थी, बस जो है ना मैं टाइम गुजारू। शुक्र ये भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, वरना तो बस कुछ रिकॉर्ड हो ही ना पाता। ब्लीच लगाए हुए मुझे 25 मिनट्स हो गए थे, ठीक है। और नीचे जो है मैं परिजात देख रही थी सुकून से, आप भी इस तरह जो है ना ब्लीच लगा के सुकून से अपने मनपसंद ड्रामा देख सकते हो। ब्लीच जो है देखें सारी फूलना स्टार्ट हो गई है, रेड स्किन जो है ना वो हमारी रिमूव हो गई है। 30 मिनट जो है ना आपने इसे लाजमी लगाना है। नीचे जो आपको स्किन नज़र आ रही होगी बड़ी मज़ेदार सी नरम और मुलायम स्किन हो जाएगी, और मुझे कमेंट्स में बताएगा कौन कौन जो है परिजात ड्रामा देखता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं इसका वेट कर रही हूँ कि मेरे 30 मिनट्स हो जाएँ। 30 मिनट्स जो है ना हो गए, अब चलते हैं वॉश करने। वॉश जो है मैंने इसका भी
क्लिप बनाया छोटा सा, बस मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैंने जो हाथों पे जब क्रीम लगाई है ना उसका जो है ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ कि जब कट लगा हुआ होता है ना तो वहाँ पर आप वैसे ही लगा ले मोटी मोटी और उसके ऊपर ब्लीच कर ले तो कट पर ना जो है ना ब्लीच लगती नहीं है। आप डिफरेंस देख सकते हो जहाँ जहाँ तक मैंने ब्लीच लगाई है उसका और इसका। ये ज़रा मैं झटक रही हूँ ताकि पानी निकल जाए और आपके सामने है सारा इसका रिजल्ट। इट्स मैजिक ब्लीच, ठीक है गाइज। आप यकीन करो ये ब्लीच इतनी ज़बरदस्त है ना, जब आप इसे यूज़ करेंगे ना आप सारी ब्लीच भूल जाएंगे हैंड एंड फिट्स की। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसे यूज़ कैसे करना है। आपने जो है इसे वीक में 3 टाइम यूज़ करना है, ठीक है। 3 टाइम से ज़्यादा आप इसे नहीं यूज़ कर सकते। जिनकी सेंसिटिव स्किन है हाथों पाँव की भी होती है अक्सर, जो है ना इसे 2 टाइम यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपने ना इसे रब करना, और रब करके जो देख रहे हैं ना आप ये मोडेड़ी से बन रही है, सारा मैल जो है ना आपका उतर जाएगा। और इसके बाद जो है हम इसमें अप्लाई करेंगे ऑलमंड ऑयल, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑलमंड ऑयल यूज़ करूँगी, आप चाहें कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो मैं अपने हैंड पे ये अप्लाई करूँगी। अगर मैं दूसरे हाथ पे भी लगा के बैठ जाती ना तो फिर ना आपको डिफरेंस दिखाना मुश्किल हो जाता, ठीक है। इसे अगर आप लोगों के पास जो है ना ऑलमंड ऑयल नहीं है, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट आप कोई हैंड क्रीम अच्छी सी या लोशन भी लगा सकते हो, ठीक है। वैसे तो ड्रेसिंग डाली थी और मैंने इतने सॉफ्ट हो गए थे ना इस वक्त मेरा हैंड, ये वाला इतना सॉफ्ट हो गया था मैं आपको क्या बताऊँ। आप इसे यूज़ करोगे ना आपको रिजल्ट इसके नज़र आएंगे। मे बी कैमरे में इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा होगा जितना जो है ना अच्छा मुझे रियल में नज़र आ रहा था रिजल्ट इसका। ये बेस्ट क्रीम है, मैजिक क्रीम ब्लीच है, आप इसे यूज़ करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। तो और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे ही यूज़ करोगे ना इस ब्रांड की ब्लीच को ही तो आपको रिजल्ट जो है ना ऐसा मिलेगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि शायद आप दूसरी ब्लीच यूज़ करो और उसका रिजल्ट इतना ना हो, बाकी जी आपकी मर्जी आप कौन सी ब्लीच यूज़ करें। मैंने आपको बता दिया कि ये ब्लीच बेस्ट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। बस छोटी सी तो रिक्वेस्ट की जा रही है, छोटी सी के वीडियो आप लाइक कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह।